आदरणीय श्रवण जी इनकी टीम का सबसे पहले रोत का पर हम हृदय से स्वागत करते हैं सर के बारे में तो जितना कहा जाए बोला जाए कम है तो मेरे साथी हैं सुभाष जी ये हमारे जे टीचर हैं क्लासमेट है सर तो इनसे मेरी डिस्कस हुई पर्सनल मैंने कहा कि एक बार हम सीकर जाके सीएलसी को देख लेते हैं फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको एडमिशन कराना है या नहीं कराना है बात थी इनकी गुड़िया प्लस टू पास किया था एक बच्चे के परंतु जाके हमने व्यवस्थाएं देखी इन्होंने अपने बेटे का भी एडमिशन कराया और बेटे का भी एडमिशन कराया वहां पे जाके और मेरा बेटा अपने ही स्कूल में हमारी मेडिकल भी है नॉन मेडिकल भी हमारे पास में हम साथ में थे सर के तो मैंने अपने बेटे का भी एडमिशन सर के पास कराया और मैं ये बात कहूं कि अपने यहाँ तो हम दिल्ली के टच में हैं रोहतक में हैं आप उन लोगों का एक आइडिया होता है कि एक बात कह देते हैं नौवीं क्लास से ऊपर है हमारा बच्चा इकैना नहीं मानता सबसे बड़ी दिक्कत की बात है हमारे लिए कहीं ना कहीं हम बच्चे को नहीं समझ पाते या बच्चा हमें नहीं समझ पाता हम बच्चे को टाइम नहीं दे पाते मेरा बेटा बिल्कुल एवरेज था सर मैं ये सोचता भी नहीं था ठीक है प्लस टू आर्ट्स से कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है देख लेंगे जैसा होगा आगे सर के पास छोड़ा हमने बेटे के मंथली टेस्ट होते मार्क्स थे मार्क्स से 240 250 320 मिलना पड़ता है जाना पड़ता है बच्चे के लिए मैं सर के पास एक दो बार ही नहीं मिला जाके बच्चे ने इंप्रूव किया धीरे धीरे इंप्रूव किया सर ने भी एक दो बार बोला ये सीएलसी का जादू है सर के अंदर ही जादू है कि बेटे को बोला था बेटा आपको इंप्रूव करना है इतनी ना सर मैं लास्ट मंथ का उसका स्कोर था जी 527 का स्कोर बार? था सर 250 से पांच सौ हाँ गया। सर के कहने से अचानक मिलने से जुलने से वहां भाई देखो सर ने बोला था कि एडमिशन कराना ना कराना आपकी इच्छा है वर्तमान में कितना कंपटीशन का दौर है हम सब इनको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं चाहे रोजगार की बात हो चाहे दूसरी बातें हो रोजगार के लिए है डॉक्टर बनाना है इंजीनियर बनाना है आप उन लोगों को काफी कंपटीशन है यदि आप बच्चे को पे थोड़ा सा केयर करेंगे वहां पे आपको देखने की जरूरत नहीं है सीएलसी में छोड़ दिया मतलब सब कुछ ओके है सारी चीजें है वहां पे आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि, कि कितना सिस्टम अच्छा है वहां पे अरे तो वही है भाई जैसे गुड़ का स्वाद है कितना मीठा है मैंने खा लिया या आपने खा लिया कोई पूछे कि स्वाद इसका क्या है आप खाओगे तो भाई महसूस करोगे स्वाद का हम आकलन नहीं दे सकते सर को नंबर नहीं दे सकते इस विषय में एजुकेशन लाइन में हम भी हैं हम इतना नहीं कर पाए चाहे यहाँ का परिस्थिति लगा लो ऐसा है एटमोसफेयर ऐसा है यहां पे वो चीजें सक्सेस हो ही नहीं पाई सर प्रयास किया काफी बार सर ने तो एक छोटी सी ढाणी को विश्व पटल पर लाके दिखा दिया है वो मुकाम सर ने हासिल किया है कि आम आदमी सोचता है सोच के वो बातें विचार बंद करता है बट सर ने दिन रात बच्चों के लिए मैं सर परिवार को टाइम नहीं देते सर का परिवार ये परिवार है कि आपके बच्चे हैं वहां जाते हैं वो सर का परिवार हो जाता है फैमिली से भी दूर रहते हैं डे नाइट इन बच्चों के बीच में रहते हैं वहां पे सर तो आपसे अनुरोध है कि एक बार जाके देखें डॉक्टर बने ना बने इंजीनियर बने ना बने एक अच्छे इंसान एक अच्छी संतान तो अपनी हो जाएगी कम से कम अच्छे संस्कार मिलेंगे तो सर को देख के तो गदगद हो जाते हैं you, सर God. ने मौका दिया यहाँ पे इनकी टीम आई यहाँ पे हम दोबारा से सर का हृदय से सर स्वागत करते हैं थैंक यू